ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। क्या चेन छी चैन छांग बु वाई यी चैन छी बु शंग जी गे फांग बु गोंग हो सान युआन ज़े तुइ डोंग उ के लान वेई जी जू शी जिन क्वाई ह्वान हे तुइ डोंग जिया शा दी क्यू जिन क्वाई टिंग हो वेई क्वान मिएन गोंग जेंग शी जिउ जिए जुए बा ले si tan wen ti bu xie nu li wo men yao jian she chuang xin jin zhuan zuo gao zhi liang fa zhan de xian xing zhe。要紧跟新一轮科技革命和产业变革的时代步伐，培育新质生产力。तो ये बयान सुना ना आपने, ये चीन के राष्ट्रपति हैं, नाम है शी जिनपिंग। अब जिनपिंग ने अपने बयान में वही लाइन बोली जो भारत के पीएम मोदी ने लगभग कई बार बड़े बड़े मंचों पर बोली है, जिससे ये साफ पता चलता है कि अब चीन को समझ में आ चुका है कि भारत जो बोलता है वो बिल्कुल सटीक बोलता है। पीएम मोदी ने हमेशा से वैश्विक मुद्दों पर शांतिपूर्ण समाधान की बात कही, चाहे वो रूस यूक्रेन संघर्ष हो या फिर गजा पट्टी का संघर्ष। एक्सलेंसी, मैं आपकी मित्रता, गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे लिए खुशी की बात है कि ब्रिक्स समिट के लिए कजान जैसे खूबसूरत शहर में आने का अवसर मिला है। इस शहर के साथ भारत के गहरे और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। कजान में भारत के नए कॉन्सुलेट के खुलने से ये संबंध और मजबूत होंगे। एक्सलेंसी, पिछले 3 महीनों में मेरा 2 बार रूस आना हमारे करीबी समन्वय और गहरी मित्रता को दर्शाता है। जुलाई में मॉस्को में हुई हमारी एनुअल समिट से हर क्षेत्र में हमारे सहयोग को बल मिला है। एक्सलेंसी, पिछले 1 वर्ष में ब्रिक्स की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। 15 वर्षों में ब्रिक्स ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है और अब विश्व के अनेक देश इससे जुड़ना चाहते हैं। कल मैं ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए उत्सुक हूँ। एक्सलेंसी, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। एक्सलेंसी, आज इन सभी विषयों पर विचार साझा करने का एक और महत्वपूर्ण अवसर है। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि शी जिनपिंग के हालिया बयान में इसी शांति की गूंज सुनाई दे रही। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि युद्ध को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए और गजा पट्टी में तेजी से युद्ध विराम लागू होना चाहिए। खैर, देखना तो ये दिलचस्प होगा कि क्या शी जिनपिंग का ये नया दृष्टिकोण सिर्फ एक बयान तक सीमित रहेगा या फिर चीन वास्तव में शांति और समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाएगा। अगर चीन वास्तव में शांति प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाता है तो ये न केवल चीन के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सकारात्मक बदलाव होगा। आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से पीएम मोदी की भाषा बोलने लगे हैं चीन के राष्ट्रपति, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।